गौरे हे देऊळ काय गो? हो छान गो देऊळ. किती छान पूजा केली नाही गो शिवच्या दादीनी. हे तुमचं देऊळ माका आवडला. घराच्या समोरता म्हणजे घराला ना कसा ती छान शांत वाटता पवित्र मिळता. बर्फी अगो भाग्य गो तुझं म्हणून तू या घरात पडलीस. पडलीस का आजी? म्हणजे अशी म्हणूची पद्धत हा. ये देवाक नमस्कार करूया. देवा उर्मिला आणि प्रकाशच्या दुकानाचं उद्घाटन पार पडू दे रे चांगल्या प्रकारे. मध्ये काही विघ्न आणू नकोस. आणि माझ्या बर्फीच्या चेहऱ्यावरचं टेन्शन पण दूर कर रे बाबा. आजी हो खरंच टेन्शन आलंय मला. तुला माहितीये ना अम्माजींचा या सगळ्याला इतका विरोध आहे की मला ना काही सुचेना असं झालंय. म्हणजे ऐनवेळी काही गडबड झाली तर अगू कशा कसे आईट विचार करतस हा. त्यापेक्षा विश्वास ठेव जे काय होतलं ना ते चांगलाच होतला. नाही माका माहिती माझं येणं काय आम्हाला एवढं आवडलेलं नाही. राग राग संताप होता तिचा. पण आपल्या मुलीचं नुकसान होईल असं ती काय काड्या घालूची नाही कळला. असं कधीच करूची नाही ती. त्यामुळे तो हम्माची काळजीच करू नको गो. खाई गेली खाई ती कोण अम्माजी? हा सकाळपासून दिसली नाही माका. ओ गंगाजींच्या दर्शनाला गेल्या असतील. अगे बाय एवढ्या सकाळी काय खाता न पिता दर्शनाला गेली तुझी अम्मा? बाय गे बाय माका तर सकाळी चहा आणि नाश्ता खाल्ल्याशिवाय काय सुधरतच नाही. डोका धरता माझा लगेच. अगो जा चहा बनव. हे बघ तुमच्याकडचे नाही शुक्लांकडचे आंघोळीशिवाय चहा मिळतो नाही. या काही नियम माका आवडलेला नाही. तर हळूहळू कधीतरी बदलायला सुरुवात कर. हो तुझ्यासाठी आपण सगळं बदलायला सांगू. चहा टाक आला घाल जरा चांगला. हो आले. हॅलो हा मुंबई कट्टा उसका उद्घाटन है तुम आने का. हा, हा, हा. एक काम जावई बापू का फोन करते. हेलो हेलो जावई बापू कसे आहात तुम्ही? नाही व्यवस्थित आहे मी. तुम्ही इतक्या लांब जाऊन बसलाय. अरे घर सगळं शांत शांत वाटतंय. परवाच तिकीट काढतो या तुम्ही लवकर. का सासूशी बांधल्याच्या करमत नाही काय तुमका? आता तुम्हीच सवय लावली मला आरेला कार्य करायची तर मी काय करणार. तसेही सध्या निशा घरात एकटीच आहे. तुमची सोबत असेल तर बरं पडेल तिला. हा ती का सोबत करायला माका बोलावतात. उदास आहे ती. परत तेच तेच विचार करत बसले तर त्रास होईल तिला म्हणून म्हटलं तुम्हाला. सरूला गावाकडच्या कामानिमित्त परस्पर जावं लागलं. तिला येणं शक्य नाहीये म्हणून मी तुम्हाला विचारलं. नाही नाही त्या निशासाठी येऊच आहे माका. सर आलाय ना की डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवते तिच्यावर. म्हणजे हे सगळं आधीच करू होया होता. पण किती लक्ष ठेवलं तर व्हायचं ते झालंच ना. त्यासाठी कोणाला दोष देण्यात काय अर्थ आहे का? मी कशा कोणाला दोष देऊ. मी माझा मन मोकळा केला. म्हणजे काय नाही म्हणजे माका पण वाईट वाटलंय पण जाऊ देते काय त्या. हा तुम्ही तुमची काळजी घ्या. मी येत आहे लवकर. जायचं कळला. ठेवू फोन. हा चहाचा वास येईल वाटत. आले तो वास घमघमलो. चहा पिऊया आणि कामाक लागूया. माताजी इसमें लिखा है कि इस बार बनारस में मानसून जल्दी आएगा और साथ ही गंगा की सफाई के काम में सरकार तेजी लाने के लिए विचार कर रही है. सरकार ना बस विचार करती रहेगी काम कुछ ना करेगी. नहीं काम करेगी माताजी. अब गंगा की सफाई का काम छोटा मोटा थोड़ी ना है. दादी जी बाबू जी चाय. हाँ बेटा रखो रखो. हाय दादी जी, बाबू जी, ये देखिए जीजा जी की दुकान के ऐड का पैम्पलेट है। इसमें लिखा है बनारस में मुंबईया व्यंजनों की एकमात्र दुकान का भव्य उद्घाटन। देखिए देखिए दिखाओ, इसमें था क्या? अरे हाँ माता प्रसाद, अरे देखो तो कितना सुंदर विज्ञापन है। परमात्मा करे इसे पढ़कर पूरा बनारस आ जाए उद्घाटन में, और उद्घाटन अच्छे से हो जाए बस। लाइए दिखाइए। अरे वाह, सच में अच्छा है ये तो। जरूर जरूर माताजी, ऐसा ही होगा। बनारस के सारे लोग आएंगे अपनी दुकान पर। हाँ। अच्छा है बेटा, अच्छा, इसको संभाल के रखो। हाँ, हाँ माताजी आगे। अरे माताजी ये देखिए, ये पेपर में भी है। देखिए देखिए वही। अरे ये तो कमाल हो गया, बच्चों ने मतलब अखबार में भी दिया है। हाँ, फिर तो मुंबई कट्टा की प्रसिद्धि बनारस के घर घर में पहुंच गई होगी। जी माताजी, अब तो ये उद्घाटन अवश्य सफल होगा, और साथ ही प्रकाश जी का ये बिजनेस भी सफल होगा। हाँ। माताजी आपको याद है जब हमारी दुकान खुली थी? हाय बाबूजी, हमें भी कुछ याद आया। कुछ याद आया? और तुम्हें? हाँ, वो कभी कभी याद आ जाता है। माता प्रसाद, इससे पहले कि ये भुलक्कड़ महारानी फिर से भूल जाए, पूछो इससे क्या याद आया। हाँ, हाँ, बताओ बेटा, जल्दी बताओ क्या याद आया तुम्हें। हाँ बाबूजी, आज सुबह ही हमने कहीं मुंबई कट्टा का नाम सुना, तब हमें याद ही नहीं आ रहा था। अरे ये तो हमारी दुकान का नाम है। कहाँ सुना था बेटा? रेडियो पर? नहीं, याद नहीं आ रहा है। हाँ, टीवी पर ऐड आ रहा था, वो हमने सुना था। हाँ। क्या? बच्चों ने टीवी पर भी ऐड दिया है? कमाल है। अरे फिर तो टीवी लगाकर देखना चाहिए है? अभी भी आ रहा होगा विज्ञापन। अभी देखते हैं। अरे रिमोट कहाँ है भाई? बाबूजी हम सबको बुला कर लाते हैं, सब मिलकर एक साथ देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ देखो देखो, रिमोट ढूंढो कहाँ है। इनविटेशन कार्ड हो गए, साइन बोर्ड हो गए, डेकोरेशन वाले से बात भी हो गई है। अरे कामगार ना एडवांस देसा होता शिव। कब का दे दिया गौरी जी? शिव भैया, गौरी, गौरी, शिव भैया यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी बाहर आ जाओ, आ जाओ। अरे रे हाँ, चलते हैं आपके साथ। पर हुआ क्या आपको? राजधानी एक्सप्रेस के जरिए क्यों आई हो? अब आना ही पड़ा भैया, बाबूजी ने टीवी ऑन कर रहे हैं, वरना मुंबई कट्टा का एड आने वाला है। क्या मुंबई कट्टा? हाँ, आप लोग जल्दी आ जाओ, हम दीदी और जीजा जी को बुला कर लाते हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ। बगुन? क्या बगुन आना आपको? जब हमने कोई ऐड दिया ही नहीं तो ऐड आएगा कैसे? आपको सरला भाभी के बारे में पता है ना? पता नहीं कहां से गलतफहमी हो गई उन्हें। बैठो बैठो। हो ना, सरला भाभी पण उगाच हंगामा करतायत। और क्या क्या है? डेकोरेशन से सामान। डेकोरेशन हो गया ना? झाला? खुर्चा ले लेस का? हाँ वो सब हो गया। काय झालं या? भूकंप झाला की काय बनारसी? सोय सोय काय गो? हा किती पडतास असा? आजीजी सॉरी, आपको लगी तो नहीं, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। पर वैसे आजीजी हमें क्या लगता है आप थोड़ी कमजोर हो गई हैं, आप थोड़ा खाया पिया कीजिए। नहीं हाँ, सुबह से चाय भी नहीं पिया है मैंने, और ऊपर से तुम आके दड़की मुझे, मैं काबर ली ना। अब फिर से सॉरी आजीजी। वैसे आजीजी हमने ना आपके लिए चाय बना के रखी है, आप पी लीजिए, हम फटाफट जाकर उर्मिला दीदी को बुला के लाते हैं। हाँ अगो पण काय झाला काय? इतके कसले घाईत? हाँ कसली जल्दी है तो का? हाय, हम इतने जल्दी में क्यों है? हम भूल गए। आजी जी आपको पता नहीं है, हमें ना थोड़ी प्रॉब्लम है याददाश्त की, बचपन से आधी बातें हमें याद नहीं रहती और आधी बातें हम भूल जाते हैं। अब क्या करें? देखो अभी भूल न जाए इसके पहले मैं बोलती हूँ, तेरे को उर्मिला को बुलाने का है, उसके कमरे से उसको जल्दी बुला के लेके आओ। कहाँ जाए जीजी? अगो उर्मिलाच्या खोलीत, उर्मिला के कमरे में जाके उर्मिला को बुला के ला। थैंक यू आजी जी, इससे पहले कि हम भूल जाए हम उन्हें बुला के लाते हैं। हाँ अरे देवा, आता ही उर्मिलाची खोली इसरली नहीं म्हणजे मिळवली। हमने चचा को भी कह दिया कि मेहमानों के खाने पीने का खास ख्याल रखें, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। प्रकाश जी डिजाइन भी अच्छा हो गया है, बोर्ड भी अच्छा हो गया है, और बेस्ट चीज ये है कि इन सब में अजी जी हमारे साथ होंगी, है ना प्रकाश जी? क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है प्रकाश जी? और मिला ये आंसू पश्चाताप के भी है और खुशी के भी। मतलब? हम समझे नहीं। मतलब ये उर्मिला कि जिन लोगों को हमने इतना दुख दिया उन लोगों ने हमारा बिजनेस पूरा करने के लिए अपनी जान तक लगा दी। हमें तो यकीन ही नहीं होता उर्मिला कि आजकल की दुनिया में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। हाँ, आप सच कह रहे हैं। शिव भैया और गौरी भाभी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। हाँ उर्मिला, ये लोग जो हमारे लिए कर रहे हैं ना, उसका एहसान हम कभी उतार पाएंगे या नहीं ये हम नहीं जानते उर्मिला, मगर इतना जरूर जानते हैं कि अब हम इन लोगों को कभी निराश नहीं होने देंगे। खूब मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे। शायद तभी हमारे कुकर्मा का और पापों का प्रायश्चित हो सके। देखिए ऐसा मत कहिए, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, और हम भगवान से प्रे करेंगे कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिले। थैंक यू उर्मिला। उर्मिला दीदी, उर्मिला दीदी, उर्मिला दीदी, जल्दी चलिए ना, नीचे आपको बुला रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, मतलब ऐसा क्या हुआ, हमें क्यों बुला रहे हैं? हम तो भूल गए। अरे भाभी आप ऐसे कैसे भूल सकती हैं? याद करने की कोशिश तो कीजिए। दीदी हम तो भूल गए, हमें याद नहीं आ रहा बिल्कुल। सॉरी दीदी, आपको तो पता है ना हमें थोड़ी याददाश्त की प्रॉब्लम है बचपन से, आधी बातें हमें याद नहीं रहती और आधी बातें हम भूल जाते हैं। सरला भाभी आप ना रोज सुबह शाम बादाम खाया कीजिए। हाँ बाद में खा लेंगे, पर अभी आप जल्दी चलिए, बाबूजी आपकी राह देख रहे हैं। आइए जीजा जी, आइए जल्दी। हाँ, हाँ। अरे दादी, शिव ने और गौरी ने देखा क्या ये? अरे कहाँ आजी जी है, सीता मऊवाली गई है बुलाने, अभी तक आई नहीं वो। नहीं रुको मैं बुलाती हूँ। शिव, गौरी, अरे लवकर या। आले काय ग आजी? अगो जाहिरात बघी बघलत। बाबूजी, भैया क्या हुआ? ये ऐड किसने दिया? अरे वाह, शिव ने दिया होगा, हमने नहीं दिया। हमें लगा कल रात आप बात कर रही थी तो आपने दिया होगा। नहीं लेकिन हमने ऐड नहीं दिया भैया। तो फिर बाबूजी आपने ऐड दिया? अरे नहीं बेटा, हमने दिया होता तो हमें पता होता ना कि किस चैनल पे आएगा, हम सीधे वही चैनल लगाते, ऐसे ढूंढ ढूंढ के परेशान थोड़ी होते। बाबूजी दीजिए ना। बाबूजी ये सब हमारी गलती है, काश हम सुबह ही देख लेते कि किस चैनल पर आ रहा है, फिर आपको परेशानी नहीं होती। नहीं अच्छा ये सब छोड़ो बेटा, ये बताओ कि तुमने सच में टीवी में देखा था या ये सब तुम्हारे मन का वहम है? नहीं बाबूजी सच में ये ऐड आज हर 10 मिनट बाद लोकल चैनल्स पर दिखाया जाएगा। अच्छा कैसे पता? हाँ हाँ काय गो, तुका कसा माहिती? हाँ बेटा तुम्हें कैसे पता? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कुछ आपने किया है? जी लेकिन कैसे? हमारे पास तो इन सब के लिए बजट ही नहीं था, फिर कैसे किया? ओहो मतलब मेरे पास कुछ सेविंग्स थे मेरी, तो उसमें से 1 लाख रुपए दे दिए और आज और कल सब ये मीडिया पे आएगा ऐसे प्लानिंग कर दी। भाभी आपने अपनी सेविंग्स, थैंक यू सो मच भाभी। गौरी भाभी, हम किस मुंह से आपको थैंक यू कहें या आपसे माफी भी मांगे? अरे हम तो आपको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं। हमें अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। हमने आपको इतना दुख दिया, इतना सताया, धोखा दिया आपको, पर आपने हमारे लिए ये सब किया, यहां तक कि सेविंग्स लगा दी आपकी। भाभी हम आपका ये एहसान कैसे उतारेंगे? तो एहसान लीजिए ही मत, जिसे उतारना पड़े प्रकाश जी। ये लीजिए, और ये किसी का एहसान नहीं है, ये आशीर्वाद है हमारा आपके लिए, लीजिए। नर्मदा जी साफ साफ बताइए बात क्या है? ये मार्केट में दुकान के लीज पेपर्स हैं। हमने 5 साल के लिए एक बड़ी सी दुकान लीज पर ली है अपने दामाद जी के लिए, ताकि हमारे दामाद जी वहां पर बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल सके। अरे लेकिन बच्चों ने सारी तैयारी कर रखी है। अरे भाड़ में जाए ऐसी तैयारी, जिससे पूरे बनारस में हमारी नाक कट रही है। लेकिन अम्मा सारी तैयारी। मुन्ना, हमारे दामाद जी वड़ा पाव नहीं बेचेंगे, मतलब नहीं बेचेंगे, समझे तुम? ये बात तुम्हें इतने बार समझा रहे, समझ में नहीं आ रही है? हाँ, लीजिए प्रकाश जी आपके सुनहरे भविष्य की चाबी, और कराइए सबका मुंह मीठा। हाँ लीजिए। लीजिए अम्मा जी प्लीज। प्रकाश जी लेकिन क्यों? जिंदगी में पहली बार हम कोई नेक काम करने जा रहे हैं, सही काम करने जा रहे हैं, मत रोकिए। हम? हाँ अम्मा जी, आज से पहले हम बहुत ही खुदगर्ज और बेईमान इंसान थे। हमेशा अपने मामा जी और अपनी मम्मी जी के कहे पर चलते थे, और यूं ही चलते चलते कब फरेब और लालच के दलदल में कूद गए हमें पता ही नहीं चला। हमें तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि हमने अपने साथ साथ उर्मिला की जिंदगी भी तबाह कर दी। आप सब लोगों को परेशान किया। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ऐन वक्त पे आकर शिव और गौरी ने हमें समझा। हमारा साथ दिया और इस दलदल से हमें बाहर निकाला, और हमें इस लायक बनाया कि आप और उर्मिला हम पे विश्वास कर सके। लेकिन प्रकाश जी हम सच कह रहे हैं अम्मा जी। अगर शिव और गौरी नहीं होते ना, तो इस बार भी हम आप लोगों को चुना लगाने की फिराक में थे। इस मुंबई कट्टा के बिजनेस के बहाने सारा पैसा चुरा कर भागने वाले थे, लेकिन शिव, गौरी भाभी और उर्मिला के विश्वास ने हमें बदल दिया। अम्मा जी अब हम इन लोगों के साथ सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, मेहनत करके स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। इसलिए प्लीज आप ये पेपर्स लौटा दीजिए। कैसे लौटाएं प्रकाश जी? हमने इतने जतन से बनवाए आपके लिए। और गौरी भाभी, उन्होंने तो बड़े जतन से इस मुंबई कट्टा के बिजनेस का सपना साकार किया है अम्मा जी। अब भला इनका विश्वास हम कैसे तोड़ सकते हैं? और वैसे भी गौरी भाभी ने जो हमारे लिए किया है ना, वो हमारी सगी बहन भी होती तो हमारे लिए नहीं कर पाती। इसलिए अम्मा जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम शिव और गौरी भाभी के बताए हुए रास्ते पर चलकर कामयाब हो। गौरी बेटा, शिव, भगवान ऐसा बेटा और ऐसी बहू सबको दे।